morning, students. Today, lecture number 7, subject physics, class 7. जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पढ़ रहे थे फिजिक्स का, भी स्टार्ट किया था हमने स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स में फिजिक्स। फिजिक्स को दो ब्रांचेस में हमने क्लासिफाई किया था, क्लासिकल में क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स डिराइव कहाँ से हुआ, कब से हुआ, डिराइव कैसे हुआ, फिजिक्स में स्टडी क्या करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। क्लासिकल फिजिक्स में हम कहते हैं क्लासिकल मोस्टली जो है 1900 से बिफोर, द नॉलेज विच यू हैव एक्युमुलेटेड बिफोर 1900 इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स, आफ्टर दैट उसको मॉडर्न फिजिक्स में क्लासिफाई करते हैं। क्यों? क्लासिकल फिजिक्स में हम बेसिकली तीन लॉ न्यूटन, तीन लॉज से डील करते थे, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड लॉज ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ था लॉज ऑफ इनर्शिया, जिसमें आप कहते थे एवरी बॉडी टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स में पढ़ते थे आप मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और इसमें हम तीन लॉ स्टडी किया करते थे, तीन लॉ से हम लॉज ऑफ एनर्जी, ये तीन लॉ से 1900 में क्या हुआ कि डिस्कवरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुई, ब्लैक क्वांटम थ्योरी आई, ब्लैक हाइपोथेसिस आया, 14 दिसंबर 1900 को रिगार्ड किया जाता है बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस ने जब रिसर्च पेपर पब्लिश किया 14 दिसंबर 1900 में प्लैंक ने, उसके बाद जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आ गया और उसके बाद हमने जो पढ़ा फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में वो उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, एंड पहले हम क्लासिकल फिजिक्स का एंशियंट फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम डील करते हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स हम डील करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की, ऐसी बॉडीज की विच ट्रैवल विद वेरी लो स्पीड, काफी लो स्पीड से चलते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डील करते हैं मैकेनिक्स में, इस ट्रैवल विद लो स्पीड से जो चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसमें हम डील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स थर्मो होता ही हीट है, इसमें डील करते हैं हम हीट एंड टेम्परेचर, बिहेवियर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं बट वेरी लो स्पीड। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट एट वेरी
हाई स्पीड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस, वेलोसिटी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली स्पीड से मोशन चलते हैं, उनकी स्टडी रिलेटिविटी में करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। बेसिकली इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिससे एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्पेसिफिक हीट में नहीं बता पाया था, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमने क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट आया, क्वांटम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर रिलेटिव ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आया, प्लैंक हाइपोथेसिस आया, उसके बाद हमने मॉडर्न फिजिक्स का डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गई, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में हुए। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले हो चुकी थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह। अब हम शुरू करते हैं स्कोप, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप जो इसका काफी वाइड है, वेरी वाइड, इस डोमेन में नेचुरल फेनोमेना अक्सर से बहुत सारे आते हैं, नेचुरल फेनोमेना जैसे इसमें हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ डिस्टेंस भी स्टडी इन फिजिक्स, टेन रेज़ टू 14 मीटर ये होता साइज ऑफ न्यूक्लियस टू -14 मीटर। तो इमेजिन करो ये कितना कम है, न्यूक्लियस एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, काफी न्यूमरस फंडामेंटल पार्टिकल्स है और उनमें उसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का साइज जो है 10⁻¹⁴ मीटर है, इतना छोटा है। हम वहां से फिजिक्स में उतनी छोटी चीज से भी छोटी चीज से लेकर 10⁻²⁶ मीटर तक इस रेंज तक हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस भी स्टडी इन फिजिक्स रेंज फ्रॉम 10⁻¹⁴ मीटर जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है और टू 10⁻²⁶ मीटर। मासेस कितना हम स्टडी करते हैं, रेंज रेंज ऑफ मासेस भी स्टडी
टैबलेट फॉर 31 किलोग्राम एक एक किसका मास इलेक्ट्रॉन 2 टैबलेट फॉर 55 range of time कितना time 10 raise power 22 second ये जो है time taken by the nucleus time taken to cross a nucleus nucleus cross करने के लिए इतना time लगता है 10 raise power minus 22 second imagine करो ये कितना कम time time taken to cross nucleus डिस्टेंस में स्टडी करते हैं कम से कम मतलब मिनिमम साइज ऑफ न्यूक्लियस स्टैंडर्ड और माइनस 60 माइनस 14 मीटर इतना मिनिमम डिस्टेंस से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम इस फिजिक्स में स्टडी करेंगे स्कोप इसमें स्कोप ऑफ द डिस्टेंस है रेंज ऑफ मास जो है 10^-31 बहुत कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे मास ऑफ यूनिवर्स पूरा स्टडी करेंगे रेंज ऑफ टाइम 10^-22 सेकंड टू टाइम taken to cross the nucleus, nucleus, that is for the lifetime of the sun. अब जो है scope physics से काफी wide है जिसमें हम study करते हैं, thermodynamics पढ़ते हैं, electricity पढ़ते हैं, current पढ़ते हैं, magnetism पढ़ते हैं, waves पढ़ते हैं, optics पढ़ते हैं, matter of radiation, new nature of matter of radiation पढ़ते हैं, quantum पढ़ते हैं, quantum mechanics पढ़ते हैं, ये सारा जो हम physics में पढ़ते हैं. अब इसका एप्लीकेशन है यूजेस है लाइव ट्रांसमिशन होता है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है लाइव ट्रांसमिशन होता है एक जगह से मिलियंस हजारों किलोमीटर दूर लाइव ट्रांसमिशन होता है एसटीडी आईएसटी फेनोमेना ऑफ एसटीडी आईएसटी टेलीफोन कम्युनिकेशन वीडियोग्राफी वगैरह रोबोट्स इसी के स्कोप के अंदर कवर किए जाते हैं रोबोट स्टडी ऑफ रोबोट्स जर्नी टू मून उसकी ग्राउंड से उसको कंट्रोल करते हैं ग्राउंड जर्नी टू द मून टू आउटर स्पेस वगैरह वगैरह फिफ्थ जनरेशन ऑफ जी फिफ्थ जनरेशन स्पीड एंड मैनी ऑफ फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन काफी सारे नेचुरल फिनोमेना एसोसिएटेड है इससे फिजिक्स से फिजिक्स in relation to other sciences. Huh?
इज द फंडामेंटल टू ऑल द साइंसेस इन रिलेशन टू chemistry. Structure of atom, molecules, radioactivity, X-ray diffraction. इसकी स्टडी हम आप फिजिक्स में करते हैं, विच इज यूज बाय द केमिस्ट, केमिस्ट्री में यूज होता है, क्लासिफाई या अरेंज in the periodic table, periodic table on the basis of atomic number. In relation to biological sciences. Optical microscope. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो डेवलप हुआ फिजिक्स में कैन बी एक्सटेंसिवली यूज होता है, काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है कहा बायोलॉजिकल साइंसेज में, इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सेल, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स, यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप डेवलप होता है फिजिक्स में डेवलप किया, एस्ट्रोनॉमी में, टेलीस्कोप हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया तो हमने हेवनली बॉडीज, मोमेंट ऑफ ए स्टार, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज को स्टडी किया हमने बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। काफी वाइड एप्लीकेशन है, बाकी दूसरी साइंस में जियोमॉर्फोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, अर्थ साइंसेस में, ओशनोलॉजी में, पढ़ते हैं फिर इससे आगे वाला टॉपिक। थैंक यू।